sum of series 0.5, 0.55, 0.555 plus so on. पहला ऑप्शन 5n/9 प्लस 5/9 1 माइनस 0.1 की पावर 9 n नहीं चेक करूंगा. क्यों नहीं चेक करूंगा? दो रीजन. एक तो बीच में क्या आ रहा है और दोनों क्या आ रहे हैं, नहीं मत करना पहले चेक. देखो मैंने ट्रिक बता दी, आपका आंसर वही आएगा जो मैं बताऊंगा. 5n/9 माइनस 5/81 1 माइनस 0.1 की पावर n. माइनस आ रहा है, 81 आ रहा है और बीच में माइनस आ रहा है. 99.9999% में यही आंसर. चेक करो n की वैल्यू 1 रखो भाई. 5/9, 5/81, 1 माइनस 0.1, 5/9 माइनस 5/81, 0.9, 5/9 ये आ गया आपका 90 एलसीएम ले लो. 50 माइनस 5, 45/90 कितना आ रहा है? 0.1. ये इसका आंसर. अच्छा बाकी के ऑप्शन भी लिख के बता दो जिसको मना कर सको आप कि कैसे मना किया. सी ऑप्शन था इसमें 5n/9 प्लस 5/81 1 माइनस 0.1 की पावर 9 n. क्यों मना किया? बीच में क्या आ रहा है? प्लस. इसलिए नहीं. और ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, दोनों जगह प्लस है तो वो साफ दिख रहा है कि आंसर कौन सा होगा, बी होगा. इस तरह सोल्व होगा. लिख लीजिए. S1, S2, S3 be respectively the, बेटा बातें मत करो, sum of n, 2n, 3n terms of GP. Then S1, S2 plus S3 is equal to options S1, S2. S1 square plus S2 square, S1 square, S2 square, and none of these. General है, कोई भी तीन टर्म मानो. बोलो ऑनलाइन क्या माने? अमर का मान है, प्रतीक 1 to 4 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं. 5, अरे बड़ी मत मानो, अभी तुम्हें सोल्व करने में दिक्कत हो जाएगी. और कुछ 2 4 8 भाई, चलो अब थोड़ा चेंज कर लेते. 2 4 8 मान लो, ठीक है. अब S1 भाई, S1 हो गया 2, S2 कितना हो गया? अरे यार क्या कर रहे हो, S2 कितना हुआ? 6.
एस टू मतलब शुरू के दो टर्म का सम, एस थ्री बोलो 14। अब मेरे को निकालना है एस वन एस टू प्लस एस थ्री, टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स प्लस 14 कितना आ गया 40। अब देखते हैं भाई एस वन एस टू गलत, एस वन स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, अरे वाह, बोलो आंसर क्या आ रहा है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। जनरल लेना कुछ भी ले सकते हो। नेक्स्ट, इफ कैपिटल जी बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन वन अपॉन जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन है जी स्क्वायर 3g square 1 by g square 1 by 3g square. Capital G be the geometric mean between A and B. तो हमें 1 upon g square minus A square plus 1 upon g square minus B square निकालना। कोई भी तीन टर्म मानो भाई आप। GB में कोई भी तीन टर्म मानो। चलो थोड़ा सा आप चेंज कर देते हैं 2 6 18, ठीक है आप वैसे कुछ भी लिख सकते हो आपकी इच्छा। ये जीबी में मैंने तीन टर्म मानी 2 6 18, ये हो गया हमारा ए और ये क्या हो गया जी। निकालो भाई वन अपॉन एटीन का स्क्वायर कितनी बार गया 288 डिवाइड बाय 32 बोलो, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये होगा ये नहीं होगा, क्योंकि जी का वैल्यू कितना आ रहा है, अरे जी का वैल्यू कितना है, तो आंसर 1 बाय जी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका आंसर 1 अपॉन जी स्क्वायर। मेथड भी बता दूंगा, मेथड भी इजी वैसे, कोई भी तीन नंबर मानो, पहला नंबर लास्ट नंबर बीच का ज्योमेट्रिक जी आ गया और इसको सोल्व कर दो, वैसा भी तीन नंबर मान के स्टार्ट कर सकते। इसमें कोई डाउट है, क्लियर? मेथड भी इजी है, जी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अरे ए बी, जी स्क्वायर ए बी के इक्वल होगा। अब देखो जी स्क्वायर ए बी के इक्वल आ गया तो क्या आ गया, ए बी माइनस और ए बी माइनस ए कॉमन आ गया, क्या आ गया बी माइनस ए, और यहां से माइनस बी कॉमन लो तभी बी माइनस ए, माइनस बी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बी माइनस, प्लस और माइनस मिलके माइनस, ए बी बी माइनस से एलसीएम आ गया,
ये मेथड भाई, जी स्क्वायर की जगह ए बी लग दिया आपने, ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर, इनमें से ए कॉमन आ गया तो बी माइनस ए, यहां से यदि मैं बी कॉमन लूंगा तो ए माइनस बी आए, लेकिन मुझे क्या लाना है, इसलिए माइनस बी कॉमन ले लिया, ये माइनस और प्लस मिलके एलसीएम आ गया, ए बी बी माइनस ए एलसीएम आ गया, तो देखो यहाँ आ गया बी माइनस ए कैंसिल वन अपॉन ए, ये मेथड है इसका, तो मेथड भी लिख सकते हैं इसका, तो देखो भाई नेक्स्ट वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, बेटा ये वाई क्यूब है तुम्हें नहीं दिख रहा ऑनलाइन पर, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है वहां पर, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड इक्वल टू, एक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन, वाई जेड विद द ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक मीन, वाई जेड विद द ज्योमेट्रिक, कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए आपने दो नंबर के बीच में, दो, इसका मतलब कितनी टर्म माननी पड़ेगी आपको, चार भाई, दो नंबर और उसके बीच में दो नंबर, किसमें माननी पड़ेगी, जीपी में, अर्थमेटिक मीन की चिंता मत करो वो तो आ जाएगा, कोई भी चार नंबर मानो आप, बोलो जो आप बोलोगे, वन टू फोर एट, ये हमारा नंबर ए, ये बी, ठीक है, ये एक्स वाई और जेड, एक्स हो गया बेटा अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन कितना आया भाई, दो नंबर वन और एट का अर्थमेटिक मीन कितना आया, वन प्लस एट बाई टू, अर्थमेटिक मीन के साथ था, दोनों नंबर को एड करके टू से, तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू टू, जेड की वैल्यू फोर, अब इनसे निकालो, वाई क्यूब, y क्यूब हो गया टू का क्यूब प्लस फोर का क्यूब, x 4.5 इंटू टू इंटू फोर, एट प्लस 64, 9 इंटू फोर 36, क्या रहा आंसर, टू, ऑप्शन में रहेगा एक आंसर टू, ऑप्शन में क्या रहेगा, ऐसे रहेगा जीरो वन टू और एक्स वाई जेड, तो आंसर क्या हुआ, टू, इस तरह से गिवन होगा, क्या क्लियर है, अब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, इसको दो एक्सरसाइज है अभी, सिक्स बी और सिक्स सी, तो बी करना स्टार्ट कर दो, कल कल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन क्लियर है ये कैसे करा, ओके, इवनिंग में मिलते हैं भाई 6 बजे, और आज हम स्टार्ट करेंगे उसमें एनयूटी, जिसको एनयूटी पढ़ना है 6 बजे, 6 से 7, कल मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कल पूरे दिन का बाहर हूँ, तुम्हारी क्लास लेके जाऊंगा, बस तुम्हारी क्लास लेते मैं बाहर चल जाऊंगा, तो मॉर्निंग वाली क्लास होगी,